अलवर मंडी के कारोबारी अभय सैनी ने लागत के अनुसार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू नहीं किया जाता, जबकि प्याज पैदा करने में किसान का खासा खर्चा उठाता है। इसी प्रकार सरसों की लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिल पाता। सैनी ने पूरी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पानी उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया है। इन दिनों में अभी सरसों बाजार में आने वाली है, किसानों की सरसों तैयार है, लगभग 15 दिन बाद मंडी में आना चालू हो जाए। सरसों का जो राजस्थान की मुख्य फसल है उसका MSP रेट स्पेशल एक पैकेज के तहत राजस्थान में बढ़ाकर रखनी चाहिए, और दूसरा जो सरकारी जो खरीद है वो आढ़तियों के माध्यम से होना चाहिए, जिससे किसानों की सीधी सरसों अधिकतम उनके पास चली जाए। उसका भुगतान पहले आढ़ती करें और आढ़ती को सरकार भुगतान करे तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। सरकार में जब ऑनलाइन होती है तो किसान को उसके भुगतान प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है, किसान की ज़रूरत होती है, इसलिए किसान उसको बाज़ार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। MSP रेट में वृद्धि होगी तभी किसान जीवित रहेगा।